विधाता के संबंध बा, हमने के बेटी रोटी के भी संबंध बा। बुरा लग रहा होगा उनको, लेकिन बुरा उनको लगना चाहिए। आज की परिस्थिति में बिहार भाजपा ने जिस तरह से द्वयम दर्जे, मैं तो आपको बता दूं कि कल जो हमने खबर की थी, मैं उस पर हेडलाइन जो देना चाहता था मैं नहीं दे पाया बाबा की वजह से, वरना मैं हेडलाइन देना चाहता था कि ये सौतेले बाप बन गए हैं बिहार के लोगों के लिए। सौतेली माँ कैसी होती है हमने बहुत हिंदी फिल्मों में देखा है, लेकिन सौतेला बाप कैसा होता है ये हम आज देख रहे हैं। जो बात लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था आज वो यथार्थ हो रहा है। बुरा लग रहा होगा लोगों को। नेपाल से नरेंद्र मोदी जी का बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद कहे थे, गए थे तो, और उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुवाद को बड़ा दिन से संभाल कर रखे हुए है, कि नेपाल जैसा पिद्दू सा देश भारत को धमकी दिया था, और वो तब जब नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ दोस्ती का हाथ लेकर, अब अमेरिका भी धमकी दे रहा है। तो कितनी बेशर्मी वाली बात हो जाती है नमन सर, कितनी बेशर्मी वाली बात हो जाती है कि हम अपने जिन जन प्रतिनिधियों को हमने चुना है वो हमारे काम नहीं आ रहा है, काम वो आता है जो कहीं बाहर का होता है। और देखिए आप जब अमेरिका जैसा देश जो गलती नहीं करता है बहुत ज़्यादा, स्पेन इटली जैसे देश जो कि गलतियाँ नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, वो अगर तबाह है तो सोचिए कि हमारे लिए कितनी बड़ी तबाही आ रही है। इन्हें तो मुख्यमंत्री का पद मांगना है, सब आप ही मांग लीजिएगा। आज इनकी चुप्पी साबित करती है कि एनडीए इनके लिए मजबूरी बन गई है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी भी सहूलियत से नीतीश कुमार से अपनी दूरी बना लिए हैं, जानते हैं कि अब मांगेंगे यहाँ से मांगना ही है नीतीश कुमार को, सीएम की कुर्सी मांगेंगे, सीट मांगेंगे, हो सकता है कि रिसोर्सेस मांगेंगे चुनाव लड़ने के लिए, बहुत कुछ मांगना है। लेकिन उससे पहले भी तो बहुत कुछ मांगना है, हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रातों रात में। बिहार कोरोना की चपेट में है और कोरोना से तबाह है, लेकिन अब एक और तबाही बिहार की ओर बढ़ रही है, यूं कहे तो भारत की ओर बढ़ रही है। सुबह सुबह एक लेटर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वो सुर्खियों में बना हुआ है। ये लेटर एसएसबी के द्वारा लिखा गया है बेतनिया के डीएम को। दरअसल इस लेटर में इस बात का जिक्र है कि नेपाल से कुछ कोरोना पॉजिटिव लोगों को साजिशतन बिहार भेजा जा रहा है और नेपाल के बॉर्डर को इसको लेकर एक जगह बनाया जा रहा है, निशाना जो है वो नेपाल का बॉर्डर है, ताकि वहां से इन कोरोना संदिग्ध लोगों को बिहार तक भेजा जाए। तो एक बड़ा खतरा बिहार के सर पर मंडरा रहा है और इस बार बिहार नहीं बच पाएगा अगर उनकी जो मंशा है वो कामयाब हो गई तो। बाकी अपडेट्स जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा जी हैं और आप देख सकते हैं हमारे बाएं साइड रवि जी मौजूद है। इन दोनों से बात करेंगे, इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या हो सकते हैं इसके, इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से इन सब मुद्दों को धार्मिक रंग में रंगा जा रहा है, सही है क्या? ठीक है, धार्मिक रंग में तो इस त्रासदी को रंगना ही नहीं चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ। अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में भी अगर साक्ष्य उपस्थित है तब भी इन चीज़ों को दबाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप नहीं चाहिएगा कि गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो। खैर, हमारे देश के मुसलमान हमारे हैं, अगर किसी बाहरी देश के मुसलमान हो या हिंदू हो वो हमारे नहीं हैं, बात ख़त्म। अगर कुछ दिनों पहले तक आप देख सकते हैं इस देश के हर नागरिक ने सीएबी के प्रोटेस्ट में साथ दिया, हर धर्म के नागरिक ने साथ दिया था, मुसलमान अकेले नहीं, इस जंग में भी मुसलमान और हिंदू अकेले नहीं, हम मिलकर ही, मानवता की बात हो रही है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, मानवता मिलकर ही इस त्रासदी से उभर सकती है। अब बात जो सामने उपस्थित तथ्य हैं उनसे भी हम चेहरा नहीं फेर सकते हैं। आपको पता है कि अबू भटकल था जो कि भटकते हुए नेपाल चला गया था और नेपाल से पकड़ के भारत में लाया गया था। शुरू से आईएसआई नेपाल को, बांग्लादेश को टारगेट करता रहा है, इन जगहों से वो हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशन करता रहा है अपने मिलिटेंट्स की। अब बात यह है कि कांग्रेस पर तो आरोप लगते थे कि आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, इन लोगों को आने दिया जाता था। अब तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो रोके इन लोगों को घुसने क्यों दिया जा रहा है? एसएसबी जब रिपोर्ट भेज रही है तो एक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? और मैं तो कहूँगा कि इस चीज़ों को सार्वजनिक, इस लेटर को होने से पहले ही इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। ये तो इंटेलिजेंस लेवल की कहीं ना कहीं कमजोरी है, और गृह विभाग जो कि अमित शाह संभाल रहे हैं उनकी कमजोरी है। और ये लेटर आज का नहीं है, लेटर 7 तारीख को लिखा गया है। जी वही मैं कह रहा हूँ कि एक्शन उस पर बहुत पहले लिया जाना चाहिए, सरकार ये साबित करे ना कि एक्शन क्या लिया गया इस पर। लोगों को रखा, हमारी जो खबर है और जो तैर रही है खबरें मीडिया के सुर्खियों में, उस हिसाब से 40 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं हमारे देश में और वो संदिग्ध हैं कोरोना पॉजिटिव।
तो जहाँ आप घर में ही कोरोना जिहाद कर रहे थे निजामुद्दीन के लोगों को लेकर जो हमारे घर के हैं उनकी चिंता आप कर रहे थे, अब बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी चिंता कीजिए, इधर से ध्यान हटाइए। और जो कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका, इधर का तिनका निकाल कर उधर उधर खोसिए, उधर उधर ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं बता दूँ आपको, ये एक ऐसा समय है जिसमें अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों का वास्तविक रंग समझ में आता है। जब आप पर कोई विपदा आती है तो आपके दोस्त भी उसमें समझ में आते हैं कौन है। नेपाल से नरेंद्र मोदी जी का बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद कहे थे, गए थे तो, और उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुवाद को बड़ा दिन से संभाल कर रखे हुए है, सारा तक यानी सू चीज़ें की गई थी। और वहाँ से जब आए थे तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं या राज्य घराने के हैं जो भी हैं, उन्होंने धमकी दे दी थी भारत को, वो भी याद होना चाहिए समय लोगों को कि नेपाल जैसा पिद्दू सा देश भारत को धमकी दिया था। और वो तब जब नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ दोस्ती का हाथ लेकर, अब अमेरिका भी धमकी दे रहा है। तो दोस्त और दुश्मन दोनों का रंग हमें समझ में आ रहा है इस वक्त। अब अगर इसको समझने का नज़र आप में नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं मोतियाबिंद है या फिर रतौंधी है। जिस तरह से नेपाल हमेशा से वो कॉरिडोर बना रहता है मिलिटेंट्स को डिस्पेल करने का भारत में, जिस तरह से वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ हमेशा होती रही हैं हमारे देश में, नागरिकों का आना जाना लगातार लगा रहता है। आप जानते हैं कि जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुई है कई लोग नेपाल जाते हैं घूमने के लिए, वो लीकर टूरिज्म कहते हैं उसको शायद, वो करने जाते हैं और वहाँ की सरकार भी बड़ी खुश होती है हमारे यहाँ के लोगों का रुपया देखकर, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमारे रुपये का वैल्यू है इस वजह से। लेकिन इसका वो कैसे रिटर्न देते हैं, हमें थैंक यू कैसे बोलते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स भेजकर। और अब जैसे कोरोना जैसी वैश्विक जब महामारी सामने आई है तो इतनी बड़ी खबर आ गई कि ये व्यक्ति वहाँ का प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, जालिम मुखिया जी, जब नाम ही जालिम है तो समझ लीजिए कितनी जालिमता इनमें होगी। और ये भारत के खिलाफ बहुत पुराने चल की खबर मैंने पढ़ी इनके बारे में, काफ़ी दिन से एक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। तो आप बताइए मुझे कि जिस देश को अपना सबसे करीबी दोस्त छोटा भाई मानकर नरेंद्र मोदी जी आए थे, वहाँ से भी वही हमें झेलने को मिल रहा है, जलालत है। और अब जो बीमारियाँ उधर से भेजने की बात चल रही है, SSB के हमारे जवान सबसे पहले टारगेट बनेंगे इनके, अगर उनको हो जाता है तो उनके परिवार के सदस्यों को होगा। अगर बिहार जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है, सबसे पहले तो हमारा बिहार बर्बाद होगा। मैं चिंता कर सकता हूँ आगे भी, मैं देश की बाकी राज्यों की भी चिंता कर सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग चिंता हमारे में नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने घर को ही पहले सुरक्षित रखूंगा। क्योंकि कहा भी गया है चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, और फिलहाल जिस तरह से लॉकडाउन का नियम कानून बनाया गया है, अपने घर की सुरक्षा आपको ज़्यादा पहले रखनी है। बिल्कुल सर, आपकी इतने साल की पत्रकारिता क्या कहती है, अभी डरना चाहिए देश को और क्या नेपाल पर विश्वास करना चाहिए? डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। ये परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पीठ में खंजर घोंप रहा है नेपाल। नेपाल को खुद एक्ट करना चाहिए, नेपाल के इंटेलिजेंस को हमें बताना चाहिए था कि हम ऐसी ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं लोग, और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। आप कैसे, नेपाल को भारत कितनी मदद करता है ये तो सार्वजनिक है, हमें अमेरिका मदद करेगा कि नहीं करेगा इस बात पर मुझे शक है, लेकिन नेपाल की तो हम हर साल सहायता कर रहे हैं, अपने यहाँ से खाद्यान्न भिजवाते हैं, हमारे यहाँ से पानी उनके यहाँ जाता है, हमारे यहाँ से लोग जाते हैं टूरिज्म के नाम पर, उनके यहाँ पैसा देकर आते हैं, उनके यहाँ से टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन के जो कंपनीज हैं वो हमारे यहाँ आकर लोगों को स्पॉन्सर्स यहाँ से लेकर जाती हैं और यहाँ से एड्स लेकर जाती हैं और वहाँ पर जाकर, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ पर, जिसके चलते हमारे से बहुत श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। हालाँकि अभी फिलहाल बंद है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि नेपाल भारत का मित्र जरूर कहा जाता है लेकिन मित्र रहा नहीं है कभी। आप हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हमारे नेपाल के साथ हैं, लेकिन ये रिश्ते केवल आदान प्रदान को लेकर ही हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका बिजनेस में सहायक हो या बिजनेस आप उससे करते हो तो उसके साथ आपके अच्छे टर्म्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो भाई या दोस्त है, उसके साथ आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं और वो वहीं तक सीमित है। पाकिस्तान जिस समय भारत से ज़्यादा नेपाल को फेवर करेगा, पाकिस्तान हमारे जो नेपाल है वो हमारे खिलाफ जा सकता है। बिल्कुल, आज यही साबित हुआ। सर एक बात और जानना चाहूंगी, बात सिर्फ बिहार की नहीं है, अभी बात भारत की भी हो गई है, क्योंकि देश की बातें हो रही है, दो देशों की बातें हो रही, अंतरदेशीय ये बातें हो गई, तो आखिर केंद्र सरकार भी की भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाए, केंद्र सरकार इस पे कुछ बोल नहीं रही है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अमित शाह जी को तो ये सार्वजनिक कर देना चाहिए था, आज जब ये खबर आई कि तो सार्वजनिक करना चाहिए था कि भाई हमसे चूक हुई या फिर हमने ये एक्शन लिया, अगर आपने अब से चूक नहीं हुई है
अब मैं आपने पाकिस्तान से को जवाब देने की बात करते हैं, आप पुलवामा की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को जवाब दे देंगे, पाकिस्तान के आर्मी को। अगर ये कोरोना नहीं शुरू हो रहा होता और चुनाव अगर नहीं होते बिहार के, तो मुझे लगता है कि जैसे वो स्थिति बनी हुई थी अभी हम पाकिस्तान के साथ वॉर पे होते, ये भी भूलना नहीं चाहिए। फिर वही चूक हो गई जो 13 मार्च को उन्होंने चूक किया, जो पहला जब कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, कोरोना यहाँ पे जब आया था तभी उनको लेना चाहिए स्टेप, आज फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, गलती पे गलती होती जा रही है। और देखिए आप, जब अमेरिका जैसा देश जो गलती नहीं करता है बहुत ज़्यादा, स्पेन इटली जैसे देश जो कि गलतियाँ नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, वो अगर तबाह हैं तो सोचिए कि हमारे लिए कितनी बड़ी तबाही आ रही है। और मैं तो कहूँगा कि अभी भी सद्बुद्धि आ जाए, अमित शाह तो दिख नहीं रहे कहीं, लेकिन सद्बुद्धि आ जाए और आज भी अपने देश का, अपने गृह विभाग का ख्याल उनको रखना चाहिए। मैं आपको एक छोटा संदर्भ देता हूँ, हम लगातार पंचनामे बता रहे हैं बिहार पर कैसे नाइंसाफी हो रही है। इस स्थिति में भी आपको मैं बता दूं कि बिहार, भारत से कई चीज़ें इंपोर्ट होके, एक्सपोर्ट होके जा रही हैं नेपाल, रुका नहीं गया है ट्रेड को। और आपको बता दूं कि बिहार में आज आपने ये खबर की थी कि वो माँ कैसे जहानाबाद में अपने बच्चे को लेकर दौड़ रही थी, एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाए लोग। कोरोना की जैसी परिस्थिति हर जगह है, सारे मेडिकल स्टाफ और सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टैंड बाई पर रखा गया है। सोचिए अगर आम दिनों में कैसी स्थिति होगी होगी, जब आज कोरोना के नाम पर हर कोई, हर मेडिकल स्टाफ हेल्प करने के लिए तैयार है और एक माँ को नहीं मिलता, उसके हाँ उसके कलेजे से सटाए रखती है वो अपने कलेजे के टुकड़े और वहीं वो मर जाता है। तो पिता ने तो बोला है सर कि मैं वहाँ पे एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस खड़ी थी और नहीं मिलता है, नहीं मिलती। तो सोच लीजिए कि मैंने एक तरफ तो आप बिहार के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार करते आ रहे हैं वो तो हो ही रहा है। आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे अगर हम कहें अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका आपको धमकी देता है और अमेरिका को आप सप्लाई कर रहे हैं, आप पूछते तक नहीं है कि किस कैपेसिटी में ये बयान दिया गया है ट्रंप के द्वारा। आज आप पूछ सकते थे कि इंटरनेशनल आप ब्रोशर जारी कर सकते थे कि भाई हमारे जो भी निकटतम जितने पड़ोसी हैं अगर ये प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे बॉर्डर्स के, तो हम बॉर्डर्स को सील ही नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स भी बंद करेंगे और आने के समय में हम, ठीक है हम इंटरनेशनली बहुत बड़े कंट्री नहीं है इकोनॉमिकली, हम एशिया में अपनी ताकत दिखा सकते हैं ना, एशिया में भी नहीं दिखा सकते हैं तो हम जिन देशों के आसपास हैं उनको तो दिखा सकते हैं। और ये समय था कि आप कम से कम नेपाल को तो बता सकते थे कि आपके यहाँ जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप उनको बंद कराइए। बिल्कुल। बात करें वुहान शहर की तो काफ़ी चर्चा में रहा चीन का वुहान, लेकिन चीन के वुहान से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस सिवान कब पहुंच गया, सिवान में पहुंचा लेकिन आंकड़े कब बढ़ गए ये तो पता ही नहीं चला रवि जी, कितना डरावना है आंकड़ा। जी जिस तरह से देख रहे हैं सिवान में हर रोज एक नया आंकड़ा देखने को मिल रहा है, सुबह उठते हैं आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखता है, ठीक है रात में सोते हैं कुछ कम रहता है लेकिन सुबह उठते ही एक आंकड़ा हमको नया मिल जाता है सिवान से। बात करते हैं जो आने वाली परिस्थितियां हैं, जिस जालिम मुखिया की जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैंने कुछ अभी डिटेल्स निकाला है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 47 वाहिनी बटालियन है सीमा सुरक्षा बल की, उन्होंने लेटर लिखा था बेतिया के डीएम को, उन्होंने 7 तारीख को लेटर लिखा, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी गतिविधियाँ होने वाली है। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि ये पहले से ही जो है जालिम मुखिया पहले से ही हथियारों की सप्लाई करता आया है बिहार में, ठीक है इधर के एरिया जो बिहार से सटे हुए, नेपाल से सटे हुए जो एरिया है जी, तो हाँ इसमें वो पहले से ही FICN और अवैध हथियारों का सप्लाई करते आया है, तो पहले से इसका आपराधिक छवि है, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है, अब इसका भी बयान आया है, जालिम मुखिया का भी एक वीडियो उसने जारी किया है इस लेटर के बाद, उसने बोला कि हमारा बिहार के साथ बेटी और रोटी वाला नाता है, तो जिस जगह से हमारा बेटी और रोटी वाला नाता है वहाँ पर मैं इस तरह की साजिश का सोच भी नहीं सकता। अब हो सकता है ये डर के वजह से बोल रहा हो कि डायरेक्ट अटैक हो जाएगा कुछ भी हो, ठीक है तो उसके वजह से भी बोल सकता है, या फिर हो सकता है देखिए इस जगह पे हमें पहले से ही सचेत रहने की ज़रूरत है, अब थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस अगर हमको इसके बारे में बताते हैं तो हमको उस जगह पर अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद जो आपके गृह सचिव हैं अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है नेपाल से, वहाँ से एक भी आदमी अंदर एंटर नहीं कर सकता। अब ये तो आगे वाले आने वाले समय बताएगा कि आखिर क्या तैयारियाँ की गई है, अभी तक जो खबर आ रही है कि 40 से 50 संदिग्ध लोगों को वहाँ से भेजा जा रहा है बिहार में।
ठीक है। तो अभी तक अपडेट ये है कि सील हो चुका है, अलर्ट मोड पे है सरकार, लेकिन केंद्र सरकार से कोई एक्टिविटी सामने नहीं आती है। बिहार सरकार अलर्ट पर है इसको लेकर, बिहार सरकार भी नहीं बोल सकते हैं, जो बेतिया प्रशासन है सिर्फ वो अलर्ट पर हमको दिख रहा है। बॉर्डर के एरिया जो भी आते हैं उस क्षेत्रफल में, उस एरिया में, वो अभी अलर्ट पे जी, वो एरिया बिल्कुल। रवि, आंकड़े सर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कल हमने बात की थी, कल मैंने इंट्रो में बोला था अपने शो में कि 10 जिले ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं, हॉटस्पॉट हो गए हैं। तो अभी 28 जिले बचे हैं, आपने कहा था ये खुशी वाली बात नहीं है, बढ़ सकता है, और हुआ यही। रात तक हमें खबर आती है कि 11 जिले कोरोना वायरस के चपेट में आ गए। हम तो बोल रहे हैं, देखिए बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हम बस बेसिक इंस्टिंक्ट पर काम करते हुए अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, इसलिए हमारी बातें सच हो रही हैं। अगर सरकार भी हमारी इतनी सीरियस होकर सोचे तो बिल्कुल विकल्प सामने हैं, कोरोना से बचने का विकल्प भी सामने है और कोरोना से मर जाना भी सामने ही दिख रहा है। अब मैं बताता हूँ एक बात आपको कि मरकज में जितने लोग गए थे इनका डेटा तो था हमारे पास, बिहार सरकार ने इतनी देरी क्यों की मरकज के लोगों को आइडेंटिफाई करने में? बिहार के जिन जिलों में अभी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और बढ़ रहा है कि मामले जो नए आ रहे हैं, ये सारे मरकज के लोग हैं। आप जानकर छोड़ देते हैं किसी समुदाय को बर्बाद होने के लिए। अगर कुछ जाहिल लोग, मैं फिर कहूँगा, कुछ जाहिल लोग अपनी जाहिलियत का परिचय दे रहे हैं और उनकी वजह से कौम बदनाम हो रहा है, तो ये जिम्मेवारी सबकी बनती है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सोलिडारिटी में भेजे या क्वारंटीन में भेजे, या गोली ही मारनी है तो मारो, मगर बाकी लोगों को बर्बाद मत करने दो। आप हालांकि नमन सर अभी इसका भी डाटा क्लियर नहीं है, मरकज को लेकर अगर बातें करें तो ये भी डाटा क्लियर नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले जो डीजीपी हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, परसों वो बोलते हैं कि 10 लोग पकड़े गए, तो इसमें भी थोड़ा झोल लगता है। झोल है ही, क्योंकि अब स्पष्ट निर्देश नहीं मिल रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सामंजस्य नहीं है, नीतीश कुमार की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। आज ठीक है, बहुत अच्छी आपके पड़ोसी के साथ मित्रता हो सकती है, बेटी रोटी का रिश्ता हो सकता है, जो कि वो अटकल भटकल क्या नाम उनका वो बोल रहे थे, मुखिया जाली मुखिया, ये आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में पता चलता है कि वास्तविक तौर पर आपके साथ कौन खड़ा है। आपको पुलिस के लोग सबको कह रहा है कि अपने पड़ोसी से भी दूर रहना है, पड़ोसी खुद पर खुद दूर हो जा रहे हैं, वो सड़क पर निकल रहा है मगर आपसे दोस्ती नहीं रख रहा है, उसे पता है कि कहीं चाय चीनी चाय पत्ती अगर मांग दीजिएगा आज के डेट में तो कहाँ से ला कर देगा। देखिए सब समझदार हो गए हैं, ऐसे ही नरेंद्र मोदी भी सहूलियत से नीतीश कुमार से अपनी दूरी बना लिए हैं, जानते हैं कि अब मांगेंगे ही, यहाँ से मांगना ही है नीतीश कुमार को, CM की कुर्सी मांगेंगे, सीट मांगेंगे, हो सकता है कि रिसोर्सेस मांगेंगे चुनाव लड़ने के लिए, बहुत कुछ मांगना है, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत कुछ मांगना है, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें वेंटिलेटर्स चाहिए, हमें वो वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए जिसमें हमारे अगर खुदा ना खास्ता अगर 10% जनसंख्या को अगर हो जाता है कोरोना तो हम क्या करेंगे? क्या हम फिल्मों में जैसे जॉम्बीज घूमते हैं हम उस तरह सड़कों पे घूमेंगे? हम कहाँ जाएंगे? क्या हम कब्रिस्तानों में अपने लिए खुद प्लॉट बुक करेंगे? क्या करेंगे हम? हमारे ना तो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं, ना आप बताइए, मैंने इतना अच्छा राय दिया गया था, हमने दिया था और लोगों ने दिया था विपक्ष के, हमारे पास कई परती जमीनें खास महल की और कई गांधी मैदान से हर ज़िले में, इन्हें यूज़ किया जाए, इनमें सैनिटाइजेशन सेंटर बनाया जाए। कितना मेहनत लग जाता है, जल जीवन हरियाली में 5,000 करोड़ खर्चा कर दीजिएगा मालिक, और आज जब खर्चा करना है हेलीकॉप्टर बुलाया जाता है जी, आज ड्रोन से होता है, आज जब बोला जा रहा है तो आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है, मतलब आप खुद ने आपने मजबूत कर लिया अपने पीठ को और आँख बंद कर ली है। सर आपने बोला कि नीतीश मोदी को पता है कि आप नीतीश जी मांगेंगे, अब बिहार के मुखिया मांगेंगे, तो मांगेगा क्यों नहीं सर? हमने जब आपको 40 में से 39 सीटें दी, भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, हक ही तो मांग रहे हैं। यही तो बात है, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात में बार बार कर रहा हूँ, नीतीश जी मांग सकते हैं, नीतीश जी को मांगने में कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इसे परहेज करना चाहिए, ये याचना नहीं है, अपना अधिकार मांगने में किसी से डरना नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश जी मांगे किस मुंह से? इन्हें तो मुख्यमंत्री का पद मांगना है, सब आप ही मांग लीजिएगा। आज इनकी चुप्पी साबित करती है कि NDM इनके लिए मजबूरी बन गई है, जो बात लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था आज वो यथार्थ हो रहा है, बुरा लग रहा होगा लोगों को। तो बिहार का क्या होगा अगर ऐसे चला तो? देखिए बिहार की मैं तो कल भी आपको कहा था कि बिहार के हम लोग ऐसे हैं कि हम बिहार को लेकर डूब जाते हैं, कभी भी हमें सरकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें गंगा जी और बाढ़ की आवश्यकता, हम नाले में भी डूब जाते हैं, हम ऐसे लोग हैं। हम अगर बड़े शहरों में जाते हैं तो दीवारों पर थूक देते हैं, गली मोहल्लों में पेशाब कर देते हैं, हम हर
सिस्टम को बर्बाद करना जानते हैं, और सच्चाई यही है कि आज उसी का दंश झेलना पड़ रहा है। बिहार ही में इंसेफ्लाइटिस होना चाहिए, बिहार ही में हर साल बाढ़ आना चाहिए, बिहार का पटना भी डूब जाना चाहिए। आपने हर जगह भ्रष्टाचार के लिए गंगोत्रियाँ खोल दी हैं। इन मिनी मिनी स्लीपर सेल्स से ही आपका पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है। और आप बात अगर कर रही हैं आतंकवादी गतिविधियों की, बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है, ये बिहार के लिए बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ वरदान हो सकता था, लेकिन दुखद है कि बिहार ऐसे हाथों में चला जाता है कि यह अभिशाप हो जाता है। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमें फ़ायदा पहुँचाने चाहिए थे व्यापारिक, इनसे हम महामारी ले आ रहे हैं, इनसे हम आतंकवाद लेकर आ रहे हैं। और ये विफलता नहीं है तो क्या है अगर गृह सचिवों का और गृह मंत्रालय का, जो हम कैसे इस बात को समझाऊं कि हमारे बिहार के केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उनके राज्य मंत्री भी हमारे गृह बिहार के ही हैं, नित्यानंद राय जी क्या कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, क्या सूचना पहुँचा रहे हैं, बिहार और केंद्र सरकार के बीच क्या सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहार और केंद्र सरकार की बातें तो अलग हो जाती है रवि, बिहार की अगर बातें कर ले, बिहार सरकार बिहार कैबिनेट की अगर बातें कर ले, मंगल पांडे जी कुछ और कहते हैं, पांडे जी का बयान कुछ और आता है और नीतीश कुमार जी कुछ और कहते हैं। जी जिस तरह से देखा जाए कि पहले 2000 किट्स आए थे, उसके बाद 4000 किट आए, उसके बाद 15000 किट बिल गेट ने दिए, तो बिल गेट्स का नाम लेने के बजाय कह रहे हैं कि हमारे पास 15000 किट्स आ गए हैं और पहले के जो किट्स है उनका भी वो साहब आंकड़े दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखाने में कोई कमी नहीं है उनके, आंकड़े दिखाने में कमी नहीं है। ये नहीं सोच रहे कि हमको तो सहायता मिली है, जो सहायता उनको केंद्र से लेना चाहिए था वो सहायता उसको दूसरे लोगों ने दिया है बिहार को, तो आप उसका नाम तो कम से कम लेते कि हमको बिल गेट्स ने इतनी सहायता करी है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम लेकर आए। आप कहाँ से लेकर आए, ये तो आपको दिया गया है, सहायता दी गई है, सहायता किया बिल गेट्स ने। इस परिस्थिति में कोई आगे आया है तो इस समय बिल गेट्स सामने आए हैं, उन्होंने सहायता की है, लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते, आप अपना तारीफ करते हैं कि हाँ हम लेकर आ गए, तो आप कहाँ से लेकर आए, आप खुद बना के लेकर आए थे, केंद्र से मांगा आपने, बिहार सरकार से मांगा या केंद्र सरकार से मांगा आपने, किससे मांगा? तो कितनी तो बेशर्मी वाली बात हो जाती है नमन सर, कितनी बेशर्मी वाली बात हो जाती है कि हम अपने जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है वो हमारे काम नहीं आ रहे, काम वो आता है जो कहीं बाहर का होता है। ऋचा मैं बताता हूँ आपको, मैं लोग मुझे पूछ रहे हैं, हम जो पंचनामा कर रहे हैं, हम जो अलग अलग खबरें कर रहे हैं, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप भाजपा के किसी नेता का बिहार का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ना आप उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ हैं, ना आप ये बता रहे हैं कि वो गायब हैं, ना आप ये बता रहे हैं कि वो कोई सहायता कर रहे हैं, ना आप ये बता रहे हैं कि वो ना सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आज मैं इस बात पे भी अपनी चुप्पी तोड़ ही देता हूँ, बिहार भाजपा के सारे नेताओं से उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिहार आधी भाजपा नीतीश कुमार के पास गिरवी है और आधी भाजपा इस जुगाड़ में लगी हुई है कि कैसे अपनी जो सीटें हैं, अगर वो विधायक हैं तो सीटों के चक्कर में लगे हुए हैं, कहीं नीतीश के चक्कर में सीट से हाथ ना धोना पड़े जैसे सिवान में ओम प्रकाश यादव का हाल हुआ है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो नीतीश कुमार की जी हजूरी में लगे हुए हैं कि नीतीश जी के चलते ही बिहार में बनेंगे, क्योंकि सुशील मोदी जिस तरह से आपको पता ही राजनीति करते हैं नीतीश कुमार के आसपास, वो खैरात की राजनीति लगभग सभी समझ गए हैं भाजपा के नेता, बुरा लग रहा होगा उनको लेकिन बुरा उनको लगना चाहिए। आज की परिस्थिति में बिहार भाजपा ने जिस तरह से द्वयम दर्जे, मैं तो आपको बता दूं कि कल जो हमने खबर की थी मैं उस पर हेडलाइन जो देना चाहता था मैं नहीं दे पाया बाबा की वजह से, वरना मैं हेडलाइन देना चाहता था कि ये सौतेले बाप बन गए हैं बिहार के लोगों के लिए। सौतेली माँ कैसी होती है हमने बहुत हिंदी फिल्मों में देखा है, लेकिन सौतेला बाप कैसा होता है ये हम आज देख रहे हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से हालिया स्थिति और जिस तरह से सरकार की नाकामी सामने आ रही है, सवाल ये भी है कि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है आखिर वो प्रतिनिधि कहाँ चले गए। सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा संकट आने वाला है लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो बिहार गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं अलर्ट दिखा है, मुझे अब तक बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ पर कुछ नहीं दिखा है, सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है तो बेतिया तरफ से, जो बेतिया के DM हैं वहाँ के अपर सचिव हैं उनके तरफ से सब कुछ आ रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। अभी वो भी तब आ रहा है जब उनके नाम लेटर लिखा गया, उनको इस बात के लिए आगाह किया गया है, तो उनको मजबूरन अलर्ट होना पड़ा है। मजबूरन अलर्ट होना पड़ा है, अभी तक कहाँ थे आप, अब तक क्यों नहीं आपने ये सारे कदम उठाए, जब आपको सूचना मिलेगी तभी, और हो सकता है पहले भेज दिया हो तो। मैं ये भी सुझाव देना चाहूँगा ऋचा इन परिस्थितियों में, और इस वीडियो को ख़त्म भी करना चाहेंगे। सुझाव ये दर्शकों के लिए नहीं है, ये सुझाव उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है, और वो सरकार के नुमाइंदे हैं या इस इंस्टीट्यूशन के हिस्से हैं जिसका नाम डेमोक्रेसी है।
दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लीजिए, एक कि आपके हाथ से स्थिति निकल चुकी है, इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप बिहार को संभाल लीजिएगा, क्योंकि बिहार को संभालने की हैसियत आपकी नहीं है। दूसरी बात, मेडिकल ग्राउंड्स पर आपको कम से कम ये तैयारी करनी चाहिए कि जितने भी लोग बिहार के बाहर बिहार के रह रहे हैं, अगर वो मेडिकल फील्ड में अपनी सेवा दे सकते हैं या दे रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस बुलाइए। इस देश के जो रिसोर्सेस हैं उस पर बिहार का हक नहीं है, ये बात साबित कर दिया है केंद्र सरकार ने। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन इस राज्य के जो सेवाएं हैं, जो मानव रिसोर्सेस हैं, उस पर इस राज्य का हक है। आप सारे मेडिकल स्टाफ को इमरजेंसी तत्काल में वापस बुलाइए और राज्य की सेवा में लगाइए। आप बिहार से जितने भी कच्चे माल इम्पोर्ट होते हैं इस देश के अलग अलग जगहों पर दवाइयाँ बनने के लिए, तत्काल रोक लगाइए और उन कंपनियों को बोलिए, क्योंकि ये 6 महीना भी खींच सकता है, उन कंपनियों को बोलिए कि आप हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स बनाइए, तब हम आपको कच्चा माल देंगे। देखिए, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, जिस समय में हम रह रहे हैं इसे पाषाण युग जैसा ही समझिए, और वस्तु विनिमय की परिस्थिति में आपको पहुँचना ही पड़ेगा। आपके बैंक्स बंद हैं, आपके नोट्स से आप नोट खा के पैसा नहीं, आपका पेट नहीं भरेगा, तो ऐसी परिस्थिति में खाद्यान्न, रिसोर्सेस, खनिज, यही हमारे असली हथियार है। आपने पहले झारखंड को अलग करके अपने पांव हाथ दोनों काट लिया है, आज बिहार में जो कुछ भी रिसोर्सेस है वो ह्यूमन रिसोर्सेस है। हमारे सारे मजदूर बिहार वापस आ चुके हैं, हम नहीं जाएंगे वापस, हम कंप्लीट बॉयकट करेंगे इस देश की हर निर्माण का। और हो सकता है मेरी बातें बहुत विरोधाभासी लग रही हो, लेकिन सच्चाई यही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे नेताओं को पता नहीं चल रहा है। सारे जिलों में बड़े मुख्यालयों पे जितने भी पार्टियों के कार्यालय हैं, सभी को तत्काल सरकार एक्वायर कर ले, सभी में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए, सभी को सभी में लोगों को रखने की व्यवस्था करें, सारे जिलों को सील कर दिया जाए, एक भी जिले में किसी भी तरह की आवाजाही को रोका जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को आने वाले 1 साल के लिए बंद कर दिया जाए, जितने भी हमारे पास गाड़ियां हैं जो इमोबिल हैं, उन सभी का पेट्रोल डीजल हटा दिया जाए। लोगों को घर में रोकने का सबसे बड़ा तरीका यही है। सारे पेट्रोल पंप्स को अन्यथा के लिए बंद कर दिया जाए, सारी जो सरकारी गाड़ियां हैं और जिन भी टैक्सी रजिस्ट्रेड गाड़ियां हैं, इन सभी को सरकार वापस ले ले और इन सारी गाड़ियों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दे। जितने भी स्कूल्स हैं, सरकारी हो गैर सरकारी हो, इन सभी में हॉस्पिटल खोल दिया जाए। देखिए, मैं फिर कहूँगा, मेरी बातें विरोधाभासी लग सकती हैं या बहुत आंदोलनकारी लग सकती हैं, लेकिन ये वक्त का तकाजा है। आज अगर मेरी बात को आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आने वाले 2 महीने बाद जिस त्रासदी को आप देखने जा रहे थे, उसे नहीं देखिएगा। समय यही है, और भी मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा सर ने बताया, वो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी और सुझाव भी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है बिहार की जो हालिया सिचुएशन है उसको लेकर। साथ में ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स क्वारंटीन में चले गए, खास करके बीजेपी वाले, तो अपने जिम्मेदारी को लेकर जरूर क्वारंटीन में चले गए हैं, और ऐसा देखने को मिल रहा है। ये बात नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, ऐसा जो दिख रहा है बस वो हकीकत में बता रही हूँ। बहरहाल, आपको क्या लगता है, आप अगर क्वारंटीन है तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, ये हमसे शेयर जरूर करें। और आपको क्या सवाल उठाना है सरकार के खिलाफ, क्या बोलना चाहते हैं, अगर सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट हैं उसको भी बताइए, अगर आपको ये कुछ सही नहीं लग रहा है उसको भी बताइए। घर पे आप क्वारंटीन हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कभी क्वारंटीन मत रहिए, आप खुलकर बोलिए, आपके सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, सवाल सरकार से हम पूछने की कोशिश करेंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।